क्या घटना हुई, क्या था मैटर, क्यों मारपीट की गई आपसे और मैटर क्या? आज रात 11 बजे खलीफा मंडी गेट पे शांता रीता प्रणव जोशी के निधि से जो कार्य होना था, सड़क निर्माण का कार्य होना था खलीफा मंडी के लिए, उसकी होल्डिंग लगी थी खलीफा मंडी गेट पे। लोहे का एक होल्डिंग लगा था, उसको अरुण केसरवानी परिवार के लोग आए, अरुण केसरवानी, अनूप केसरवानी, अमित केसरवानी, आशीष केसरवानी और उनके परिवार के लोग आए और होल्डिंग पे जो है गाली लात मारे, जूते मारे, होल्डिंग उखाड़ लिए, उखाड़ने के बाद फेंक दिए सड़क पे, सड़क पे जो है पटकने के बाद लात जूते मारे और गाली बकने भक्की बद्दी बद्दी गाली बकता उन्होंने। उसके पीछे हमारी दुकान थी, दुकान पे हमारी दुकान पे हमला कर दिए, हमको लोहे के राख से मारा, हमारे गले में जो है सोने के अंजीर छीन ले गए, हमारी दुकान से गल्ला निकाल के ले गए, हमारी दुकान में लगा CCTV कैमरा उठा ले गए और हमारी दुकान का सामान अस्त व्यस्त कर दिया और हमको धमकी दिया कि अगर तुमने FIR कराई तो तुम्हारी दुकान को घर को आग लगा देंगे, पूरे परिवार को जो है मार डालेंगे, जो है जान से मार डालेंगे, अगर तुम थाना खाकर गए तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे। और हमें थाने से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमें उचित न्याय मिले। बादल किसानी के पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये है कि इसमें नंद गोपाल गुप्ता नंदी, अभिलाषा गुप्ता नंदी जो यहाँ के महापौर हैं, उनके संरक्षण में ये लोग हैं, ओम प्रकाश गहरी और इनका परिवार भी इन्हीं के संरक्षण में है और यहाँ गुंडागर्दी करते हैं और मोहल्ले के लोगों को परेशान करते हैं। इसके पहले खलीफा मंडी के अंदर जो राशन का सामान जो था बटना था, जो है भ्रष्टाचार का उजागर कैसे हुआ? भ्रष्टाचार का उजागर आज दैनिक जागरण के पेपर में सेकंड पेज पे निकला कि 2 वर्ष पूर्व धनराशि जो आवंटित की गई 50 लाख रुपये वो कहाँ गया, इसको देख के मोहल्ले के अरुण केसरवानी आग बबूला हो गए और इसी को लेकर हमारे पर प्राणघातक हमला कर दिया। आपका परिचय? बादल केसरवानी, भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्य समिति सदस्य।